आगे बढ़ेंगे। साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला और दीगर को किडनी हिल्स रेफरेंस पे बड़ा रिलीफ मिल गया है। एहतसाब अदालत ने नैब के सलीम मानवीवाला और दीगर के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। फहद बशीर इसे हमारे अपडेट करेंगे। जी फहद, आगाह कीजिएगा। देखिए बिल्कुल, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला और दीगर को जो है किडनी हिल्स रेफरेंस में बड़ा रिलीफ सामने मिला है। एहतसाब अदालत ने नैब की सलीम मानवीवाला और दीगर के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। यहाँ पे याद रहे सलीम मानवीवाला समेत दीगर मुल्जमान केस से बरी हो गए, जबकि एक्टिंग चेयरमैन नैब फैल नासिर ने जज नासिर जवेद राणा की अदालत में दरख्वास्त दायर की थी, जबकि नैब की जानिब से कहा गया कि 19 जनवरी 2021 में 7 मुल्जमान के खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था। रेफरेंस का मामला सितंबर में एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग के सामने रखा गया। इजलास में मुल्जमान के खिलाफ अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल सामने नहीं आया। हुकूमत को 1 रुपए का भी नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ भी तो प्राइवेट फर्स को हुआ, नैब की जानिब से कहा गया। जबकि नैब की जानिब से सदा भी की गई कि सलीम मानवीवाला का मामला से कोई लिंक नहीं है। नैब एहतसाब अदालत चाहे तो कानून के मुताबिक तमाम मुल्जमान को बरी कर दे, जबकि नैब की जानिब से कहा गया कि चेयरमैन नैब ने प्रोसिक्यूटर जनरल के साथ मशावरत के बाद नतीजे पर पहुंचने के रेफरेंस नहीं बनता, जिसके बाद हमने देखा कि जो साबिक ड्यूटी चेयरमैन सेनेट है सलीम मानवीवाला और दीगर को किडनी हिल्स रेफरेंस में बड़ा रिलीफ मिला है। जी बहुत शुक्रिया फहद, इस पर आपने अपडेट किया। रुक करते लाहौर का।